इस मॉड्यूल में हम रिसर्च एथिक्स के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करेंगे। इस रिसर्च एथिक्स शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है रिसर्च की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए या रिसर्च के ऑथेंटिक होने को उसके इखलाकी लिहाज से दुरुस्त तरीके पे कंडक्ट किए जाने को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ शायद ये बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं कर सका। बेशक हमने यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ तरह के ऐसे फोरम्स बना रखे हैं जो रिसर्च एथिक्स जो है इसके होने को इंश्योर करते हैं। तो पहले मैं इसके मतलब पे आपसे बात करता हूँ कि कहेंगे किसको हम रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके रिसर्च के कंडक्ट को देखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आप जिस तरीके से रिसर्च करने जा रहे हैं वो एथिकली दुरुस्त तरीका है। उसके अंदर कोई आप ऐसे काम नहीं करते जो कि इखलाकी लिहाज से ठीक ना हो। कई दफा रिसर्चर अपनी रिसर्च को उसके ख्याल में दुरुस्त रखने के लिए कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं जो इखलाकी तौर पे नहीं करनी चाहिए। ये वाला प्रोसेस आपको एक तो अवेयर करेगा और दूसरा आपको पाबंद करेगा कि आप किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपने इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिसर्च करने के दौरान जो है उन पे आप ध्यान रखते हैं कि इनमें कोई ऐसी प्रैक्टिस ना हो जो एथिकल स्टैंडर्ड से हटके हो। मसलन अगर आपकी रिसर्च में ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, कोई एनिमल हो सकते हैं, एनवायरनमेंट हो सकता है, इदारा कोई हो सकता है, तो क्या वहाँ मौजूद लोगों के जो राइट्स हैं आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपके सामने इस मॉड्यूल में और इससे अगले मॉड्यूल में 9 बुनियादी चीज़ों पे गुफ्तगू करूँगा जिनको आप जनरल रिसर्च एथिक्स कह सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ आपके सामने जो स्लाइड पे है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मैं ये रिसर्च क्यों करने जा रहा हूँ, इस रिसर्च से जो चीज़ हासिल होगी वो किसी इंडिविजुअल को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इस रिसर्च के मकासद और इसके प्रोसीजर्स, इसके अंदर जो पोटेंशियल रिस्क है वो, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, जो बंदा इस रिसर्च में हिस्सा ले रहा है उसको रिसर्च में पार्टिसिपेट करना उसका उसकी विलिंगनेस से होना चाहिए और वो जब चाहे रिसर्च के प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है जब भी उसको कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जो वो समझता है कि उसके लिए अच्छी नहीं है तो उसको ये राइट होना। ये तमाम बातें मुझे लोगों को रिसर्च में शामिल करने से पहले एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट की सूरत में हासिल करनी चाहिए। तमाम लोग जो इस रिसर्च का हिस्सा बन रहे होंगे उनको उनके जो हकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं वो बताने ज़रूरी हैं और ये वर्बल नहीं होगा, ये आप एक कागज़ पे लिख के उनसे साइन करवाएंगे इस फॉर्म को और अपने रिसर्च की रिपोर्ट में इसको जनरेट करेंगे एनेक्सेस के अंदर। इसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। मिसाल के तौर पे आप यूं देखिए कि अगर मैं कोई रिसर्च करता हूं जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पे मुश्तमिल है और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, लोगों के फेस का वीडियो में नजर आना, खासतौर पे फर्ज करने लड़कियों का स्कूल है और मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जो टीचर पढ़ा रही हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनकी वीडियो अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो ये बगैर उनकी मर्जी के नहीं हो सकती, बगैर रिसर्च की ज़रूरत के नहीं हो सकती। इस तरह के और बेशुमार सिनेरियोज होते हैं रिसर्च में जिसमें आपके रिसर्च के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ लोगों को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली जो है वो उनकी वेलबींग को मुतासर कर सकती हैं, उस पे असरात उन पे आ सकते हैं। तो उनको मिनिमाइज करना और मिनिमाइज फॉर्म में जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत की भी इजाज़त उन लोगों से लेना, उनको यानी जिस काम से वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं वो काम नहीं करना। हमने
और अगर करना है तो उनकी मर्जी से करना होगा। तो उन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इसका इंतजाम रिसर्चर को करना चाहिए, और सिर्फ करना नहीं चाहिए, एक्सप्लेन भी करना चाहिए लोगों को। इसके अलावा अब देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है। मैंने लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना है, मैं उस डेटे से आगे क्या इस्तेमाल करूंगा, उस डेटे की एक्सेस किन लोगों को दूंगा, अगर किसी को एक्सेस देनी होगी तो किसका उसका प्रोसेस क्या किया जाएगा, या इस डेटे तक एक्सेस लोगों को दी ही नहीं जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं ये उसके डेटे की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी और उनकी प्राइवेसी, इन चीज़ों को इंश्योर करना भी रिसर्च एथिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। डेटा इस्तेमाल करने में कुछ गलती नहीं, लेकिन जिससे वो डेटा एक्वायर किया गया है उसकी मर्जी के बगैर उसको कहीं इस्तेमाल करना, और उस पर्पस के बगैर किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। फर्ज कर लीजिए मैं किसी रिसर्च में आपसे आपकी इनकम का डेटा लेता हूँ, और आप मुझे वो इसलिए दे रहे हैं कि मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि आपकी इनकम में और आपके इस बच्चे की तालीम में आपस में क्या ताल्लुक है, और बाद में वो डेटा उठा के आपकी मर्जी के बगैर मैं FBR को दे देता हूँ, किसी और इदारे को दे देता हूँ जो उसका कुछ और पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। तो इसको भी इंश्योर करना रिसर्च एथिक्स का हिस्सा है। इसी तरह डेटा आज के दौर में सबसे अहम और सबसे जिसकी बहुत ज़्यादा प्राइस वाली कमोडिटी है, जिस पे बेस करके बेशुमार काम किए जा सकते हैं। तो डेटा की मैनेजमेंट कैसे होगी, डेटा स्टोरेज कैसे होगी, आप डेटे को किस शक्ल में लोगों से लेंगे, और आपने क्या इंतज़ाम कर रखा है कि ये डेटा सिक्योर होगा, आप इसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को अगर इनकरेज करना चाहते हैं कि इस डेटे को कहीं और इस्तेमाल करना किया जाना चाहिए, तो आप इसके लिए अपनी बाउंड्रीज लिमिट्स का तायुन कैसे करेंगे और लोगों तक ये बात कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये तमाम बातें आपको रिसर्च स्टार्ट करने से पहले अपने लिए भी और अपने उन रिस्पॉन्डेंट्स के लिए या सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी के लिए, अपने इदारे के लिए, इनको डिफाइन करना, पेपर पे ले डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक को, इदारे को, आपको, सब्जेक्ट्स को ये पता हो कि जो डेटा वो दे रहे हैं वो डेटा उनकी मर्जी से लिया जा रहा है, और उसके इस्तेमाल भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए वो लिया जा रहा है। हम इसी एथिक्स वाली गुफ्तगू को अगले मॉड्यूल में भी जारी रखेंगे।